तो ये कितना टेस्टी लग रहा है, सावन के फास्ट में एंजॉय कर सकते हैं। तब सुबह उठी थी बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, तो सुबह ही मैंने साबूदाना भिगा दिया था और काफी भीग गया ये। इसको धो के और अब साफ करके फिर मैं छन्नी में छान दूंगी इसको। तो सबसे पहले यही करेंगे आप, साबूदाना भिगा देंगे। जितनी भी रेसिपी बनेगी उन सब की सामग्री यहाँ पे रखी हुई है, फटाफट से काम हो जाए। फोन खराब होने की कगार पे है, कम ज्यादा हो रही है लाइट इसकी। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने में कितने लोग जो है फास्ट भी रखते हैं, तो मैं ऐसी चीज बताने वाली हूँ खाने की जो आप फास्ट में भी खा सकते हैं। सावन का महीना बहुत बहुत पावन होता है और आप सब पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, यही आशा करती हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली रेसिपी बनाएंगे हम साबूदाने की खिचड़ी। तो देखिए बिल्कुल उभर के आया दाना दाना, तो इसको मैंने छान लिया धो के। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे घी, कम आंच पे रखेगा, और इसमें डालेंगे हम घी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम राई के दाने तड़कने के लिए, कम कर देते हैं इसमें। इसमें डालेंगे हम साबूदाना, साबूदाने को हम फ्राई कर लेंगे और काफी टेस्टी होती है, काफी टेस्टी होती है खिचड़ी। इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक और डालेंगे टमाटर, एक टमाटर, ये दो टमाटर है, हम एक ही टमाटर डालेंगे इसमें। और चाहो तो और भी सब्जियां डाल सकते हैं इसमें। ये कैप्सिकम और गाजर है मेरे पास, ये भी डाल दिए मैंने। इसमें डालेंगे हरी मिर्च थोड़ी सी चॉप करी हुई, ज्यादा नहीं डालूंगी मैं। नमक डाल दिया हमने, हरी मिर्च डाल दिए है और सब्जियां हैं, अगर आपके पास और भी सब्जियां तो आप डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर बस, और कुछ नहीं डालेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी होती है गाइस। और हमारे पहली मतलब भिगा रखे हैं साबूदाना, पहली भिगा रखे हैं, तो हम पकने देंगे थोड़ी देर। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, चाहो तो हम इसमें पानी भी मिला सकते हो, हमने भिगा रखे तो पानी की जरूरत नहीं है इसमें, तो बस ज्यादा देर भी नहीं लगती इसमें। तैयार है मैं साबूदाने की खिचड़ी, तो हम बंद कर देंगे और ये बन गई हमारे साबूदाने की खिचड़ी। और इसको करेंगे सर्व। इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। तो देखिए दोस्तों क्या टेस्टी लग रहा है, और बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं लगता है कि ये साबूदाने से बनी है, इतना सॉफ्ट इतना टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगता है। आप बना के खाना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ के साथ ये भी लिखना आपको कैसी लगी रेसिपी। एक चीज तो हमारी तैयार है साबूदाने की खिचड़ी, चाहो तो आप इसमें और सब्जियां भी डाल सकते हो। तो अब हम बनाएंगे इसमें व्रत के आलू, इसको कर देते हैं ऑन, उसी पैन में बनाएंगे। तो फटाफट से जो बॉइल आलू है उनको काट लेंगे, और इस खाने को बनाने में ज्यादा देर नहीं लगता अगर आपके पास सब चीज उपलब्ध है। तो ये है हमारे आलू, हम ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें जीरा, कम कर देंगे आंच को, और डालेंगे हींग, और अब डाल देंगे हम अपने बॉईल करे हुए आलू, और इसी के साथ डाल देंगे हम हरी मिर्च कटी हुई। इसमें डालेंगे नमक, नमक हम सेंधा नमक ही यूज कर रहे हैं, और इसके साथ ही डालेंगे काली मिर्च
ये काली मिर्चें पीसी हुई इसको डालेंगे। सिंपल खाना होता है और बहुत टेस्टी होता है, अगर आप मन से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी होगा। और जो भी प्रसाद का खाना होता है, पूजा फास्ट का खाना होता है, वो मन से ही बनाना चाहिए। तो देखिए, आप चाहो तो इसमें कम ज्यादा घी जैसा भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं, तो मैंने कम ही लिया। इसको हम फ्राई होने देंगे, थोड़े कुरकुरे होने देंगे, इनको थोड़े ब्राउनिश होने दें, रोस्ट होने तक इनको करते रहें। मैंने इसमें कम घी डाला है तो इसलिए टाइम लग रहा है इनको थोड़ा हल्का ब्राउन होने में, अगर इसमें थोड़ा और घी पड़ जाए तो ये थोड़े जल्दी से हो जाते हैं रोस्ट। और आपको इतने बर्तन खराब करने की जरूरत नहीं, आप एक ही बर्तन में नॉनस्टिक में ही बना सकते हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ कि आपको इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई लेनी है, कुछ लेना कुछ नहीं लेना, छोटा सा बर्तन लेना है, एक दो आदमी के लिए बहुत है। तो भुन गए हैं ये और अब इनको कर देते हैं सर, इसमें करती हूँ गैस कर देते हैं बंद। और देखो इसके ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया, व्रत के आलू, सिंपल और टेस्टी। तो ये हो गई हमारी सेकंड चीज। अब इसको धोना पड़ेगा क्योंकि हमने बनाना है कुछ मीठा, तो सबसे पहले इसको पैन को धो लेते हैं। पैन धो लिया है, चढ़ा दिया इसको हमने, और सबसे पहले करेंगे हम इसमें, ज्यादा घी की जरूरत नहीं है, हमने ले लिया एक कटोरी मखाने, मखानों को हम करेंगे हल्का सा रोस्ट। तो देखो हो गए हैं रोस्ट और इनको कर देंगे हम इसमें प्लेट में आलू, और इसमें डालेंगे हम पानी डालते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाला ना कि दूध जल ना जाए, उसकी स्मेल आती है, तो पानी डालेंगे और उसके बाद दूध डाल देंगे। हमने एक गिलास दूध लिया है तो इसको बॉईल करना है हमने, इसको अच्छे से हम बॉईल करेंगे। तो दूध हो गया बॉईल, इसको बॉईल होने देंगे, मखानों को सॉफ्ट होने देंगे, थोड़ा ये पतला है तो इसको हम थोड़ा गाढ़ा होने देंगे, तब तक इसे बॉईल करते रहेंगे। तो ये बॉईल हो गया, इसमें आप चीनी डाल सकते हैं, मैं 2 चम्मच डालूंगी, और ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो अपने आप ये गाढ़ा भी हो जाएगा, मखाने हैं ना जो ये, तो ये सोख लेंगे दूध को। इसमें डाल देंगे हम केसर, केसर से कलर और खुशबू दोनों ही आती है। चाहो तो आप इसमें आप इलायची भी डाल सकते हो। इसको बंद कर देंगे हम और ठंडा होने देंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो अपने आप गाढ़ा हो जाएगा ये, और इसमें डाल देंगे हम ड्राई फ्रूट्स, आपके पास जो भी है, मेरे पास ये सारे मिक्स वाले हैं तो मैं इसमें ये डाल दूंगी सारे मिक्स। तो देखिए ये है मखाना खीर विद ड्राई फ्रूट्स के साथ, तो ये कितना टेस्टी लग रहा है देखिए। तो दोस्तों बना रही हूँ अब मैं मखाना चाट, ये भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा। उसके लिए सबसे पहले आप ये है मूंगफली, उसको रोस्ट कर लेंगे, थोड़ी सी ली है मैंने, ज्यादा नहीं ली है, तो वो मूंगफली हो गई है हमारी रोस्ट, इसको डाल देंगे इसमें। अब मखाने को हम घी में करेंगे, और ये हो गए हैं एकदम से खस्ता हो गए। तो अब बनाएंगे हम चाट मखाने वाला, और सबसे पहले डालेंगे इसमें मखाने, इसमें डालेंगे मूंगफली, मूंगफली के बाद डालेंगे हम आलू काट के,
चाहो तो आप इसको आलू को क्रिस्पी भी कर सकते हो, पर मैंने क्रिस्पी नहीं करना क्योंकि और चीजें हमारी क्रिस्पी है ही। एक ही आलू डालूंगी मैं इसमें, डालेंगे एक कटा हुआ टमाटर, डालेंगे हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार, डालेंगे हरा धनिया ढेर सारा डाल रही हूँ मैं, चाहो तो आप पुदीना भी डाल सकते हो इसमें। अब डालेंगे इसमें सेंधा नमक, अपने स्वाद अनुसार ही डालना, काली मिर्च का पाउडर चुटकी दो चुटकी डाली है मैंने, और ये हरी चटनी बनाई है मैंने, हरी चटनी में भी हरी मिर्च बहुत है और इसमें बस धनिया है, पुदीना है, टमाटर है और हरी मिर्च है, इसमें और प्याज और लहसुन कुछ नहीं है, तो इसको भी डाल देंगे हम। बहुत ही चटपटी और अच्छी बनती है, मिक्स भी करते रहेंगे साथ के साथ जिससे सब में अच्छे से लग जाए। फेटा हुआ दही बिल्कुल चाट के जैसे होता है, ये देखो इतनी बढ़िया लगती है ना। मूंगफली को चाहो तो आप हल्का सा मतलब वो कर लीजिए, क्रश कर लीजिए, पर मुझे ऐसी अच्छी लगती है तो मैं ऐसी बनाऊंगी। चाहो तो आप इसमें अनार भी डाल सकते हो, अनार से काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है खट्टे मीठे का। और इसमें डाल देंगे लाल चटनी इमली वाली, अब इसमें कर देंगे हम सर्व। चाहो तो आप इसमें ऊपर से दही डाल लो अगर आपको और अच्छी लगती दही और खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो दोस्तों कैसी लगी मखाना चाट, इसे सावन के फास्ट में एंजॉय कर सकते हैं, तो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। तो दोस्तों सबसे लास्ट चीज है हमारी मिल्क शेक, और मिल्क शेक होगा, मिल्क शेक में क्या क्या होगा बताती हूँ मैं। इसमें सबसे पहले तो आप एक बनाना डालेंगे क्योंकि ये काफी हैवी होता है, और फास्ट में अगर इसको आप वैसे भी खाओगे ना तो आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी और पेट बिल्कुल एकदम से भरा भरा लगेगा। तो आप इसमें एक केला ले लें, हाफ गिलास हमने ठंडा बिल्कुल चिल्ड दूध लिया, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें काजू बादाम चेरी और ये थोड़ी बेरीज हैं, तो ये डालेंगे। तो ये डाल दिए मैंने इसमें बेरीज, आप चाहो तो इसमें चीनी डालो चाहो तो ना डालो, मैं नहीं डालूंगी क्योंकि केला काफी मीठा है और ऊपर से जो ड्राई फ्रूट्स बेरीज वगैरह वो भी मीठी है, तो बंद कर देंगे और इसका घुमा देंगे हम चक्का, काफी हैवी होता है पीने में, बिल्कुल एक कप के बराबर बना है पूरा, कर देंगे डेकोरेट क्योंकि बेरीज ऊपर तो लगेगी नहीं इसके, तो इसके शो के लिए। ये बन गया हमारा ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक, और देखिए ये इतना ही बहुत है आपके लिए क्योंकि बहुत ही हैवी होता है। तो दोस्तों कैसी लगी है सारी की सारी रेसिपी जरूर बताना कमेंट्स करके, और अगर आपको अच्छी लगी है और ऐसी जानकारी आपको आगे भी चाहिए फास्ट के बारे में तो जरूर कमेंट्स करके बताना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी कर देना। तो आगे मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में नई चीजों के साथ, तो बाय दोस्तों, फिर मिलती हूँ।